तो आज हम सीखेंगे पेन टूल के बारे में भाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इसके अंदर, और पेन टूल जिसको अच्छी तरह से चलाना आ जाए वो कुछ भी डिजाइन कर सकता है, वॉट एवर ही वांट, ठीक है, पेन टूल। लेकिन भाई बड़ा पंगी वाला ऑप्शन है, मतलब माउस से कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत आसान वर्जन है। देखिए पेन टूल से आप क्या कर सकते हैं इसको समझिए। पेन टूल में एक तो पेन टूल है, एड एंकर पॉइंट टूल है, डिलीट एंकर पॉइंट टूल है, एंकर पॉइंट टूल है, चार टूल तो ये है। और एक इसी का भाई है जो इसमें नए वर्जन में दिया है, कर्वर्चर टूल, कर्वर्चर टूल, ठीक है, इसको भी देखते हैं अगर पहले थोड़ा इसको देख लेते हैं। देखिए पेन टूल से जब आप शुरू करेंगे ना तो ये समझो पेंसिल की तरह चलेगा, चलेगा माउस की तरह। जैसे आपने क्लिक किया, ये क्या हुआ, एक एंकर बन गया। अब ये जो इसके साथ चिपकी हुई आ रही है इसको हम क्या कहते हैं, पाथ। ये पाथ चल रही है, पाथ पे आपने से क्लिक किया, से क्लिक किया, ऐसे क्लिक किया, ये एक शेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इस पे कोई कलर वगैरह भरना है तो यहाँ से भर दिया, स्ट्रोक पे कोई लगाना है तो स्ट्रोक लगा दे, कलर नहीं देना तो यहाँ से इसको नो कलर कर दे, ओके, समझ में आ गई बात। ये दोबारा देखें पेन टूल कब चलाते हैं, तो यहाँ से अभी हमने फिल को खाली कर दिया, स्ट्रोक रखा हुआ है, क्लिक किया, क्लिक किया, जो शेप बनाना है ऐसे करके बड़े मजे से आप बना लें। ये देखिए अगर कहीं आप शेप बना रहे हैं बीच में आपसे स्केप दब गया, कैंसिल हो गया, अब क्या करेंगे, ओपन पाथ रह गई, इसी पाथ पे क्लिक करके दोबारा से स्टिक हो जाएगा और आपका शेप वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा, और इससे जो चाहे शेप आप बना सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये पेन टूल का आसान वाला काम था। अब आए मुश्किल वाले काम पे, ये कर्व जो क्रिएट करते हैं। अब इसमें कर्व भी बड़ा आसान है, क्लिक करेंगे, अब जहां पे आपने क्लिक किया अगला जो कर्व लेना है उसको समझे, अगर आपने क्लिक करके होल्ड करना है माउस को, छोड़ना नहीं है, नीचे खींचेंगे तो ऊपर बनेगा, ऊपर खींचेंगे तो नीचे बनेगा, आगे खींचेंगे तो पीछे, और पीछे खींचेंगे तो आगे की तरफ कर्व बनेगा। तो ये देखिए एक शेप आपका निकल आया, ठीक है, ये देखिए हमने एक शेप निकाल दी इस तरह से। दोबारा देखिए पेन टूल को कैसे किया हमने, पेन टूल अब यहाँ से क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, और ये देखिए हमने एक शेप बना दिया, ठीक है, ये शेप बना दिया। अब इसको हमने क्या किया, इसको क्लिक किया, सेलेक्ट किया, और यहाँ से रिफ्लेक्ट लिया, रिफ्लेक्ट लेके ऑल्टर के साथ यहाँ पे आधा बना दें और आधे को रिफ्लेक्शन पर लेके कॉपी ले लें। ये देखिए इस तरह से कंप्लीट हो जाता है शेप। समझ में आ रही है कुछ बातें, नहीं समझ में आ रही है, पेन टूल ऐसे काम कर रहा था। अब पेन टूल में मसला ये आ रहा है कि मेरे को कर्व करने में दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं है। मैंने पेन टूल लिया, क्लिक किया, एक शेप बनाया, ये लीजिए एक शेप बनाया और ये बन गया। अब इसके अंदर कर्व कैसे क्रिएट करूं, तो मुझे दे दिया उन्होंने कर्वर्चर टूल, कर्वर्चर टूल मुझे हेल्प करेगा कर्व क्रिएट करने में। कर्वर्चर टूल लिया मैंने, यहाँ से पकड़ा इसको, ये देखिए कर्व दे दिया, ठीक है, इस तरह से कर देना है, यहाँ से पकड़ा इसको ऊपर कर दिया, यहाँ से ऊपर कर दिया, तो ये देखिए एक शेप निकल आया। समझ में आ रही है कुछ बात, तो कर्वर्चर टूल डायरेक्ट भी काम करता है, मतलब डायरेक्टली कैसे आपने क्लिक किया, ये पकड़ा, ये देखें इसको ऐसे घुमा के सेट किया, ये खुद इसको घुमा देगा, ये देखिए ऐसे घुमा दिया इसको मैंने, ये देखिए इसको मैं घुमा के यहाँ ले आया, तो ये देखिए इसको घुमा रहा हूँ मैं और यहाँ से घूम रहा है, ये इसके अंदर कर्व खुद ही क्रिएट करता जाता है, ठीक है। ये भी समझ में आ गई कि किस तरह से आपने कर्व देने क्या करना है, ठीक। अब आते हैं इसके अंदर भाई, मिसाल के तौर पे ये तो आपने बना लिए सारे शेप्स इसके अंदर इस तरीके से क्रिएट कर दिए। अब यहाँ पर ये कैसे काम करेंगे, जो पेन टूल के साथ एड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट टूल है, कैसे काम करेंगे भाई। हमने एक शेप बना रहे थे ऐसे करके, मैंने ऐसे किया और इसको यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको ऐसे घुमा के और यहाँ लिया के मिला दिया, ये शेप बन गया। अब ये शेप थोड़ा सा मूव करना था तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने क्लिक किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके इसको पकड़ के यहाँ पे रख दिया। अब उसको यहाँ से क्लिक करके मैंने इसको यहाँ से ऐसे घुमा दिया और यहाँ पे घुमा के इसको इस तरह से कर दिया। अब इसको घुमा के मैंने इस तरीके से कर दिया, यहाँ से क्लिक करके मैंने इसको इस तरह से कर दिया, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से काम हो सकता है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पर भी एक और पॉइंट चाहिए जो मौजूद नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करके यहाँ से लूंगा एड एंकर पॉइंट टूल, जैसे एड एंकर पॉइंट टूल लूंगा, क्लिक करूंगा, ये एंकर इसमें ऐड हो जाएगा, ये आया, इस पे एंकर ऐड हो जाएगा। अब उस एंकर को पकड़ के मैं जैसे चाहूं ऐसे ऐसे मूव कर सकता हूं। अब लेकिन इस एंकर में कर्व मौजूद है, कर्व खत्म करना तो कैसे करेंगे, तो यहां से लीजिए एंकर पॉइंट टूल क्लिक करें और ये एंकर का जो कर्व है वो खत्म कर देगा, ये देख रहे हैं, ये इसका क्या खत्म कर देगा, कर्व खत्म कर देगा, कर्व खत्म कर दिया, यहां से भी कर्व खत्म कर दिया, ये शेप इस तरह। अब दोबारा कर्व डालना है तो कैसे देंगे, अब इसमें दोबारा कर्व डालना है तो आपको ये करना पड़ेगा, अगर मैं इसको दोबारा से क्लिक करता हूँ तो यही इसको दोबारा से कर्व में भी कन्वर्ट करेगा, यही कर्व देगा और यही कर्व को कन्वर्ट भी करेगा, दोनों चीजों में, देखें दोनों चीजों में ये सही तरह काम कर रहा है। आपको इसको समझना पड़ेगा कि ये कैसे काम कर रहा है, ये कर्व भी खत्म कर रहा है
और कर्व दे भी रहा है, जब नहीं है तो इसने इसको कर्व दे दिया, और जब मैं क्लिक करूंगा तो ये कर्व इसके अंदर बन जाएगा। ठीक है, अगर कर्व खत्म करना है तो उसका एक तरीका और भी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, यहाँ पे क्लिक खत्म करें, यहाँ पे कन्वर्ट कर्व खत्म कर दें और यहाँ से कर्व दोबारा दे दें, ये कॉर्नर, ये कर्व कॉर्नर, ये कर्व कॉर्नर, ये कर्व यहाँ से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब डिलीट एंकर पॉइंट टूल क्या काम करेगा भाई, जो एंकर हैं उनको डिलीट करना है, ये वाला खत्म करना है डिलीट कर दें, यहाँ से एंकर डिलीट हो गया, ये खत्म करना है एंकर को खत्म करना है डिलीट हो गया, तो इस तरह से एंकर्स भी आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेन टूल के चार ऑप्शन मैंने आपको करा दिए, ये पेन टूल कैसे काम कर रहा है कर्व में, विदाउट कर्व, एड एंकर, डिलीट एंकर, एंकर, और उसके साथ मैंने आपको ये भी बता दिया ये कैसे काम कर रहा है। अब एक शेप बना लेते हैं, मिसाल के तौर पे एक आसान सा शेप बना देता हूँ मैं आपको, एक मैंगो का शेप बना देते हैं। चलो ठीक है, क्लिक किया हमने यहाँ पे, एक शेप लिया सिंपल सा। अब मैंगो कितना आसान है, मैं देखो कितने आराम से बनाऊंगा, फिर दिखूंगा आप कैसे बनाने। इसको लिया हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, जैसे मैंने इसको क्लिक किया ये कर्व एक्टिवेटेड हो गया इसके। इनको कहते हैं कर्व, इनको सॉरी एंकर, ये एंकर हैंडल्स हैं, इन हैंडल्स को मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ऐसे घुमाया और ऐसे पकड़ा और पकड़ के ऐसे लाके क्लिक कर दिया और यहाँ से ऐसे लाके रख दिया। ठीक है, तो ये देखिए मैंगो का शेप निकल आया परफेक्ट सा। अब इसमें कलर कोई भी डाल दें, सिंपल सा सिंपल कलर बना रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे कलर डाल दिया हमने, तो मैंगो का कलर ये वाला। ठीक है, चलो ये वाला वो अच्छा कलर था पहले वाला, कंट्रोल जेड करता हूँ ये कलर आ गया। ठीक है, तो इस पर क्लिक करके हमने यहाँ से इसके आउटलाइन को खत्म करना है, आउटलाइन खत्म कर दिया। अब इसकी ऊपर की टोपी बनानी है, तो ये टोपी आ गई इसकी, बना के इसके अंदर कौन सा कलर भरना है, इसके अंदर ब्राउन कलर भरना है, तो स्विचेस यहाँ पे ऑन था ऑफ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से ले लेते हैं, चले स्विचेस के लिए ब्राउन टोपी आ गई इसके ऊपर, बना के हमने लगा दी और इसे क्लिक करके हमने यहाँ से और इसको यहाँ पे ले जाके लगा दिया। ठीक है, ये देखें मैंगो का शेप बन गया। अब मैंगो का एक अदद वो जो बनाते हैं थोड़ी सी पत्ती, तो पत्ती के हमने दोनों शेप निकाला, इसके ऊपर से क्लिक किया हमने, यहाँ पे क्लिक किया और इसका जो एंकर है यहाँ पे क्लिक करके इसको कर्व तक खत्म कर दिया, और इसका कर्व भी यहाँ से मैंने खत्म कर दिया और उसपे एक ग्रीन कलर का शेड मार दिया, ये बन गई इसकी पत्ती। अब पत्ती को अगर डबल शेड में बनाना तो मैंने आपको सिखाया था कल, कैसे क्लिक करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, रिफ्लेक्शन टूल क्लिक करेंगे, इसका रिफ्लेक्शन लेंगे क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो है इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, इसका थोड़ा सा डार्क वर्जन ले लेंगे। ये देखें पत्ती बन गई आपकी, पत्ती को सिलेक्ट करके एक करना है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, दोनों ऊपर वाले एंकर सिलेक्ट करने हैं, यहाँ से राइट बटन दबाना है इसके ऊपर, यहाँ से इसका एवरेज लेना है ताकि दोनों क्लोज आ जाए, दोनों को क्लिक करके ज्वाइन कर देना है नीचे। अब ज्वाइन करेंगे तो फिर वो एक ही शेप बन जाएगा, इसलिए इसको दो शेप में रहने दें। तो हम क्या करते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से क्या करते हैं, ग्रुप कर देते हैं। तो ग्रुप करने के बाद इसको शिफ्ट के साथ यहाँ से पकड़ के थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आम के साइज के मुताबिक ले जाके इसको यूँ रखते हैं, और रोटेशन से पकड़ के इसको हम यहाँ से ऐसे घुमा देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका आम का एक बेसिक सा शेप हमने बना दिया। अब अगर एप्पल बनाना तो कैसे बनाएंगे, एप्पल बनाना भी मुश्किल नहीं है, क्लिक करेंगे, शेप निकाला हमने। ठीक है, शेप निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा क्लिक करके इस तरफ से घुमाएंगे, थोड़ा सा घूम गया, क्लिक करेंगे रिफ्लेक्ट के ऊपर, ऑल्टर के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिफ्लेक्शन अपोजिट साइड पे देगा, कॉपी निकालेंगे इसकी। अब निकालने के बाद इसको थोड़ा सा इससे दूर करेंगे, सॉरी दूर उतना करेंगे जितना बीच में गैप देना है। ठीक है, तो अरे क्या हो गया, चिपक जाएगा, क्लिक करते हैं यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा दूर करते हैं, थोड़ा शेप सही नहीं निकला, शेप सही निकाल लेता हूँ। क्लिक किया मैंने यहाँ पे एप्पल का शेप बनाने के लिए, कितना बड़ा हमने यहाँ से ये निकाला, थोड़ा सा बेजी शक्ल का था, क्लिक किया हमने इसको थोड़ा सा रोटेट करा ये इतना। ठीक है, और इसका लिया हमने रिफ्लेक्शन, ऑल्टर के साथ क्लिक करके कॉपी ले ली, इसके साथ क्लिक करके हमने इसको ठीक है, मच बेटर, दोनों को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर कल सीखा था, पकड़ा और इसको दोनों को अप्लाई कर दिया, क्लिक करके यहाँ से इस पर एक रेड कलर डाल दें, क्लिक करें इसको शिफ्ट के साथ ऐसे रोटेट करके सीधा कर लें, सही है।
एप्पल का शेप निकल आएगा, स्टैम्प बनाना है, क्लिक करें यहाँ से और यहाँ से लेके इसको इस तरीके से स्टैम्प बनाइए, एक साइड पे क्लिक कीजिए, इसको उठा के ऊपर कर दीजिए, साइड ऊपर हो गई, इस पर क्लिक करें, यहाँ से क्लिक करके यहाँ से ब्राउन कलर दे दीजिए, यहाँ से हमने इसको ब्राउन कलर दे दिया। ठीक है, इस तरह से आगे जाके भी आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी और फिर उनको हम करते चले।